नमस्कार, ओम श्री राम। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी मोटी दो तीन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और सर्दियों में तिल खाना भी चाहिए। तिल और लड्डू का साथ में सेवन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बनाते हैं तिल के लड्डू। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी तिल लिए हैं, आधा से ज़्यादा कटोरी गुड़ लेंगे और थोड़ा सा घी। सबसे पहले पैन में तिल को हम भूनेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल मीडियम स्लो पे रखा है और कंटिन्यूस चलाते हुए तिल को हम सेकेंगे। तिल को सेकना ज़रूरी है। और मैं आपको बता रही थी कि जो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखना, उसमें तिल की सिकाई का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। स्लो मीडियम फ्लेम ही रखना है हमें, कंटिन्यूस चलाते हुए इसको हम सेकेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इनका कलर जो है हल्का ब्राउनिश हो गया और ये तिल में से आवाज़ आने लग गई, ये चटकने लग गए। आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही है, अच्छी खुशबू आने लग जाती है और तिल एकदम हल्का हो जाता है। इन तिल को अब मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया और इसी पैन में अब हमने जो गुड़ लिया था, वैसे तो 1 कटोरी तिल है तो 1 कटोरी गुड़ लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा 1 कटोरी से कम लिया है क्योंकि हमारे यहाँ सब मीठा कम खाते हैं। और थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे साथ में। घी नहीं भी डालें तो भी बन जाएंगे, घी से थोड़ी अच्छी शाइनिंग आती है और गुड़ आसानी से पिघल जाता है। तो अब थोड़ी सी गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अब यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है, गुड़ की चाशनी बनाते समय हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम सॉफ्ट लड्डू बनाना चाहते हैं तो, अब मैंने इस स्टेज पे गैस को बंद कर दिया, ये वीडियो नहीं आ पाया लेकिन मैंने गैस बंद कर दिया है। और जो थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के गुड़ के जो पार्टिकल्स रह गए हैं उसको इसी से दबा दबा करके हम, क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो ये अच्छे से पिघल जाएगा। गैस को बंद कर दिया और अब हम सारे तिल जो भुने हुए थे उनको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको हमें गरम गरम ही बनाना होगा। फटाफट मिक्स कर देते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये लड्डू। अच्छे से सारे तिल को गुड़ के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें लड्डू अगर सॉफ्ट बनाने हैं तो गुड़ को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सेकना है। जैसे ही गुड़ पिघलता है हमें गैस को बंद कर देना है और उसमें हम तिल मिक्स करेंगे तो लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और अगर हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़े हार्ड बने तो इसको चाशनी को हम थोड़ा 1 मिनट तक पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बना रही हूँ। और वैसे इस लड्डू के बारे में बताऊँ तो ये तिल के लड्डू जो हैं एक पूरे भारत के अंदर पॉपुलर है, जो कि विभिन्न त्यौहारों और खासकर मकर संक्रांति में बनाए जाते हैं। और ये लड्डू सर्दियों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए मशहूर हैं। और इस तरह से हम जल्दी जल्दी इनको लड्डू का शेप दे देंगे। ठंडे होने के बाद ये बहुत मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें गुड़ थोड़ा डाला है ना, तो थोड़ी सी कठिनाई होगी लेकिन लड्डू टेस्ट में अच्छे लगेंगे। तो लीजिए, हमारे ये तिल के लड्डू तैयार हैं। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि लड्डू कैसे बने।